मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं परदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट। राजस्थान का मौसम पूरी तरीके से पलट चुका है। कई जगह उत्तरी पश्चिमी तेज हवाएं शुरू हो गई है तो कई जगह बीती रात से ही तेज बारिश का दौर जारी है। दरअसल बुधवार रात से ही नया तंत्र सक्रिय हो गया है जिसके कारण प्रदेश के कई हिस्सों में रात से ही जोरदार बारिश का दौर चला। हाड़ोती झालावाड़ में आधी रात के बाद पानी इतना बरसा कि हर जगह पानी ही पानी हो गया। बांधों में भारी आवक शुरू हो गई है। कोटा में भी देर रात जमकर पानी बरसा। शहर के नाले और नदियां उफान पर आ गई है। घरों में पानी भर गया है। उत्तरी राजस्थान के झुंझुनू जिले के भी कई स्थानों पर भारी बारिश का दौर देखा गया और मौसम विभाग के अनुसार अब अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में मानसून की झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। इस दौरान अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़ में हल्की से लेकर मध्यम बारिश का दौर जारी रहने के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं बड़ी अपडेट आपको दे दूं, राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी मानसून की झमाझम बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा पानी भिवानी में, यहां 120 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और देखिए, आज के मौसम की बात करूं तो मौसम विभाग ने राजस्थान के कुछ जिलों में आज भी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, बीकानेर और हनुमानगढ़ के भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश के संकेत दिए हैं। और जो मौसम विभाग ने अभी तत्कालीन पूर्वानुमान जारी किया है उसके हिसाब से बूंदी, सवाई माधोपुर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। हालांकि यह चेतावनी मात्र 1-2 घंटे के लिए ही मान्य होती है, लेकिन बड़ी अपडेट यह है, एक नया परिसंचरण तंत्र बनने की वजह से अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अनेक जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।